अंडा बेचने वाला भूत। ये बात है यूपी के कानपुर की। उस कड़कड़ाती ठंड के मौसम में अंडे बेचने वाले भूत की काफी चर्चा हो रही थी। जिधर देखो उधर लोग सिर्फ इसी की ही बातें कर रहे थे। अरे भाई कमलेश, कुछ सुना है तुमने? किस बारे में बात कर रहे हो भैया? अरे वो अंडे बेचने वाले भूत की बात कर रहा हूँ। और किसकी? हाँ हाँ, सुनने में आया है कि जो भी उस भूत की नजरों के सामने आया जिंदा नहीं बचा। इसीलिए तो मैं तुम्हें इस सुनसान रात में शॉर्टकट लेने को मना कर रहा था। कहीं वो अंडे बेचने वाला भूत हमारे सामने आ गया तो? अरे भाग, तू डर मत, मैं हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। कि तभी उनके पीछे से एक भयानक सी आवाज़ आती है, जिसे सुनने के बाद दोनों दोस्त की हालत पतली हो जाती है। अंडे ले लो अंडे। भाई साहब, क्या आपको अंडे चाहिए? नहीं नहीं, हमें अंडे नहीं लेने, आप कहीं और जाओ। ले लो ना भाई साहब, इस कड़कती ठंड में आपको अंडा खाकर मजा ही आ जाएगा। हमें नहीं खाने अंडे, तुम कहीं और क्यों नहीं चले जाते? कि तभी उस अंडे बेचने वाले का शरीर बदलने लग जाता है। आंखें भयानक लाल हो जाती है, चेहरा किसी भयानक दानव सा हो जाता है और वो भयानक आवाज में कहता है, क्यों रे, इतनी बार कहने पर भी तुम मुझसे अंडा नहीं खरीदे, अब हम तुम दोनों को खा जाऊंगा। इसके बाद मोहन और कमलेश की जोर से चीखने की आवाज आती है और वो अंडे बेचने वाला भूत दोनों को ही बड़ी बेरहमी से मार कर खा जाता है। सोनिया अपने कॉलेज की छुट्टियों में अपने गांव लौटी थी। बस से उतरते ही सोनिया तेज कदमों के साथ अपने घर की ओर बढ़ती है। उफ, घर जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी में तो मैं कुछ खाना ही भूल गई और अब जोरों की भूख लगी है। ओह गॉड, अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन इतनी रात गए सुनसान रास्ते में खाने को मिलेगा भी क्या? कि तभी उसे थोड़ी ही दूर पर एक खाने का ठेला दिखाई पड़ता है। सोनिया भागती हुई उस ठेले के पास जाती है। अरे भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है। जी मैडम, जी अंडा है, खाना चाहेंगी आप? क्या अंडे? इतनी रात में अंडे कौन खाता है? मुझे लगा कुछ काम की चीज होगी। ले लीजिए ना मैडम, इस ठंड में अंडा आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। नो नो नो, मुझे नहीं खाना। इतना सुनते ही उस ठेले वाले का रूप बदलने लगता है और वो फिर उसी भयानक रूप में बदल जाता है। उसका ये भयानक रूप देखकर सोनिया बहुत ज्यादा डर जाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो अंडे बेचने वाला भूत हर बार उसके सामने आ जाता है। इसके बाद वो अंडे बेचने वाला भूत सोनिया को निगल जाता है। गाँव में लगातार हो रही इन घटनाओं से पूरे गाँव में अंडे बेचने वाले भूत का खौफ था। आलम कुछ इस तरह का था कि लोग रात में घर से निकलने से भी डरने लगे थे। सन्नाटे को चीरती हुई ट्रेन कानपुर स्टेशन आ पहुंची। श्वेता अपना सूटकेस लेकर नीचे आती है। तो फाइनली आ गई मैं, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। सर्दियों की उस ठंड रात में श्वेता पैदल ही अपने घर की ओर चली जा रही थी। बार बार वो इधर उधर देख रही थी जैसे किसी को ढूंढ रही हो, और फिर वो एक घर का दरवाजा खटखटाती है। तभी सोनिया की मम्मी घर का दरवाजा खोलती है और कहती है, अरे श्वेता तुम कब आई? ना कोई फोन ना कोई खबर। आंटी जी, जो कुछ हुआ उसके बाद तो मुझे आना ही था। आओ अंदर आ जाओ। आंटी, इतना कुछ हो गया और आपने मुझे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? अब मैं क्या कहती तुमसे, हमें तो खुद यकीन नहीं हो रहा कि हमारी बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। मैंने कहा था उसे कि रात के समय अकेले ना आए, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी। इतना कहते हुए सोनिया की माँ जोर जोर से रोने लग जाती है। मत रोइए, अभी मैं आ गई हूँ ना, बहुत जल्द मैं सच्चाई का पता लगा लूंगी। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भूत का काम है, इसके पीछे जरूर किसी की साजिश है और मैं इस बात की तह तक जाकर ही रहूंगी। दूसरी तरफ चिंटू अपने माता पिता के साथ पास के गांव में लगे मेले से लौटकर अपने घर की ओर जा रहा था। माँ, आज मेले में कितना मजा आया ना? हाँ बेटा, अब तो तुम खुश हो ना? अरे भाई, खुश क्यों नहीं होगा, आज मेले में इसने इतने सारे खिलौने जो खरीदे हैं और फिर मिठाइयाँ भी तो खाई है। और इसके बाद पूरा परिवार हंसने लगता है। तभी चिंटू की नज़र एक ठेले पर पड़ती है। पापा पापा, मुझे वो लेना है। अरे अभी तो तुमने मेले में इतनी सारी मिठाइयाँ खाई थी, अब और क्या चाहिए? अच्छा ठीक है ठीक है, हमेशा की तरह तुम माँ बेटा की ही जीत पूरी होती है। इसके बाद चिंटू अपने माता पिता के साथ उस ठेले के करीब पहुँचता है।
अरे भैया क्या बेच रहे हो? जी अंडे बेच रहा हूँ, लेना चाहेंगे क्या? मैं खाऊंगा अंडे पापा, प्लीज मुझे खरीद दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, खरीद देता हूँ। भैया दो ठो अंडे दे देना। इसके बाद वो ठेले वाला दो अंडे चिंटू को दे देता है। मम्मी अंडे बहुत टेस्टी हैं, आप भी लो ना। नहीं नहीं मुझे नहीं खाने ये सड़े हुए अंडे, तू ही खा। इतना सुनते ही उस अंडे वाले की आंखें लाल होने लग जाती है, चेहरा भयानक सा हो जाता है और फिर वो अपनी भयानक आवाज में बोलता है, क्या कहा तूने? तुझे अंडे नहीं खाने? वो मैं तो बस यूं ही कह रही थी, मुझे माफ कर दो। माफी? वही तो मैं नहीं करता। इतना कहते हुए वो चिंटू की माँ का गला पकड़ लेता है और उसे हवा में उछाल देता है। अंडे बेचने वाला भूत दूसरे हाथ से चिंटू के पिता को भी हवा में उठा देता है, जिसे देखकर चिंटू जोर जोर से रोने लग जाता है और उस भूत के सामने अपने माँ बाप को छोड़ देने की गुहार लगाने लग जाता है कि तभी पीछे से आवाज आती है, रुक जाओ, छोड़ दो उन्हें, मैं तुम्हें अब किसी की जान नहीं लेने दूंगी। तू रोकेगी मुझे? रुक तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर वो दोनों को दूर फेंक देता है और श्वेता की तरफ बढ़ता है। मैं नहीं डरती तुम जैसे भूत भूत से, जो अपनी खुशी के लिए बेगुनाहों की जान लेता हो। तुम क्या जानो किसी अपने के मारे जाने का दर्द? ये सुनने के बाद वो अंडे बेचने वाला भूत रुक जाता है और अपने पहले वाले इंसानी रूप में आ जाता है। अब उसकी आंखों में दर्द और तकलीफ नजर आ रही थी। रुंधी हुई आवाज में वो श्वेता को अपनी कहानी बताता है। पहले कभी मैं भी तुम्हारी ही तरह एक खुश इंसान था। मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर इस गांव में अंडे का ठेला लगाया करते थे। गांव के सभी लोग हमारे यहाँ से अंडे लेकर जाया करते थे। हमारे ठेले के सामने एक समोसा वाला भी अपना ठेला लगाया करता था। उसे हमारी तरक्की से बहुत जलन हुआ करता था, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं ये सोचा था कि जलन के मारे वो कुछ ऐसा भी कर देगा। इतना कहकर वो चुप सा हो जाता है। फिर क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? बताओ ना फिर क्या हुआ? एक दिन मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए दुकान पर मेरी पत्नी थी। दोपहर के वक्त वो मुझे दवा देने घर आ रही थी। भैया वो आज इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा इन्हें दवा देकर आती हूँ, आप तब तक मेरे दुकान का ध्यान रखिएगा। इसके बाद उस अंडे वाले की पत्नी अपने घर के लिए निकल जाती है। क्यों जी, आपने क्या सबका ठेका ले रखा है जो उसकी दुकान देखने के लिए हाँ कर दी? अरे भाग्यवान गुस्सा क्यों होती हो, ये सब मैंने हमारे फायदे के लिए तो किया है। इतना कहकर वो जल्दी से चूहे मारने की दवा निकालता है और उस अंडे की दुकान पर रखे सभी अंडों पर छिड़क देता है। अजीब वाह, आपके भी दिमाग का क्या कहना, कमाल कर दिया। इतने में अंडे वाले की पत्नी वापस अपनी दुकान पर चली आती है और ग्राहक के आने का इंतजार करने लग जाती है। देखते ही देखते हमेशा की तरह ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सारे अंडे खत्म होने के बाद वो खुशी खुशी अपने घर जाती है। अजी सुनते हो, आज तो कमाल ही हो गया, आज बहुत ही जल्दी सारे के सारे अंडे बिक गए। इसके बाद वो अपने घर के कामों में लग जाती है। तभी उसे लोगों के शोरगुल की आवाज़ सुनाई देती है और दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, हाँ भैया, इन लालची लोग को जीने का कोई हक नहीं है, इन्हें तो जलाकर मार देना चाहिए। और इतना कहकर वो लोग हमारी झोपड़ी में आग लगा दिए, जिसके बाद मैं और मेरी पत्नी जलकर उसी घर में मर गए। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ, लेकिन क्या किसी एक आदमी की गलती की सजा बेगुनाह लोगों को मिलनी चाहिए? जिन लोगों को तुमने मारा उनमें से एक मेरे बचपन की सहेली सोनिया भी थी। अब मैं तुम्हें किसी और की जान नहीं लेने दूंगी। तभी श्वेता अपने साथ एक बाबा को ले आती है, जो एक के बाद एक मंत्र पढ़ने लग जाते हैं। उन मंत्रों को सुनकर वो अंडे बेचने वाला भूत घबराने लग जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, छोड़ दो मुझे, बंद करो ये सब, छोड़ दो। आखिरकार उस अंडे बेचने वाले भूत की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। इसके बाद फिर कभी किसी ने उस अंडे बेचने वाले भूत को नहीं देखा। नीलम परी से मिला सोने का सैंडल। किसी गांव में मानवी अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती थी। मानवी के पिता के जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी उसकी माँ रेखा के कंधों पर आ गई थी। मानवी की माँ अस्पताल में झाड़ू पोछा करती थी,
जिससे उनके घर का गुजारा चलता था। मानवी का छोटा भाई स्कूल जाता था, लेकिन ज्यादा पैसे न होने की वजह से मानवी स्कूल नहीं जा पाती थी। मानवी के आसपास रहने वाले सभी लोग बहुत ही अमीर थे, लेकिन मानवी का परिवार बहुत ही गरीब था। मानवी दिखने में बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी हाइट 7 साल की लड़की जितनी ही रह गई थी। हाइट की वजह से गांव की लड़कियां मानवी का बहुत मजाक बनाती थी। मानवी हमेशा ये सोचकर बहुत दुखी होती थी कि एक तो जैसे तैसे उनका गुजारा चल पाता था और दूसरी तरफ उसकी हाइट भी कम। गांव में जो लड़कियां उम्र में मानवी से कम थी, उनकी हाइट भी मानवी से ज्यादा थी। मानवी दिन रात अपनी हाइट बढ़ाने के लिए तरह तरह के एक्सरसाइज करती रहती थी, लेकिन उसके इतना एक्सरसाइज करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा और उसकी हाइट 1 इंच भी नहीं बढ़ी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन मानवी कुएं से पानी भरने गई थी, तभी वो देखती है कि गांव की कुछ लड़कियां पेड़ से इमली तोड़ने की कोशिश कर रही है। ये देखकर मानवी सोचती है, ये लोग आज खेल नहीं रहे हैं, ये समय तो इन सबके खेलने का होता है, अभी पूछती हूँ। दोस्तों, ये तुम सब क्या कर रहे हो, खेलना नहीं है क्या? नहीं मानवी, आज नहीं खेलना। आज तो हम देख रहे हैं कि हम सब में से कौन सबसे ज्यादा इमली तोड़ सकती है। एक काम करो, तुम आज घर चली जाओ। क्यों, मैं घर क्यों जाऊं? मैं भी इमली तोड़ने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। मानवी के इतना कहते ही वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ हंसने लगती है। अरे तुम सब क्यों हंस रहे हो? अरे मानवी, तुम अपने घर की खिड़की तक नहीं खोल सकती हो और इमली तोड़ने की बात कर रही हो। जरा अपना कद तो देखो और खुद सोचो, तुम इमली कैसे तोड़ पाओगी। काजल की बात सुनकर फिर से वहाँ खड़ी सभी लड़कियाँ हंसने लग जाती है। ये सब देखकर मानवी उदास होकर वहाँ से चली जाती है। घर जाकर भी मानवी अपनी हाइट के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी होती है। उसी रात उसके घर पर उसकी चाची अपनी बेटी पूर्वी के साथ आती है। पूर्वी की हाइट भी कुछ खास लंबी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो उस दिन काफी ज्यादा लंबी लग रही थी। ये देखकर मानवी सोचती है, अरे पूर्वी की हाइट भी तो कुछ खास लंबी नहीं है, फिर आज ये इतनी ज्यादा लंबी कैसे लग रही है, जरा इससे पूछ कर आती हूँ। इतना सोचकर मानवी पूर्वी के पास जाती है और बोलती है, अरे पूर्वी तुम आज लंबी कैसे लग रही हो? अरे तुम्हारी नजर मेरी हाई हील्स पर नहीं गई क्या? आज मैंने हाई हील्स पहन रखी है, इसलिए तुमसे लंबी लग रही हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर जाती हूँ तो ऐसी ही हाई हील्स पहन लेती हूँ। अच्छा, ऐसी हाई हील्स कहाँ मिलती है? दुकान बाजार कहीं भी मिल जाएगी। मैं तो कहती हूँ तुम भी अपने लिए हाई हील्स खरीद लो। हाँ पूर्वी, लगता है तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे भी अब हाई हील्स खरीदना ही होगा। इस तरह मानवी को पूर्वी का सुझाव पसंद आता है और वो हाई हील्स खरीदने के बारे में सोचने लगती है। कुछ घंटों बाद पूर्वी अपनी माँ के साथ चली जाती है और उनके जाते ही मानवी अपनी माँ से कहती है, माँ आपने पूर्वी की हील वाली सैंडल देखी क्या? हाँ देखी तो, तुम इस बारे में मेरे से क्यों पूछ रही हो? माँ आपको तो पता ही है कि किस तरह सब मेरी हाइट का मजाक बनाते रहते हैं, मुझे दूसरों की बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आज तो मेरे दोस्तों ने मुझे अपने साथ इमली भी नहीं तोड़ने दी। तुम कहना क्या चाहती हो मानवी, जल्दी बोलो, मुझे और भी काम है। माँ अगर मेरे पास भी ऐसी हील वाली सैंडल होगी तो मेरी हाइट भी लंबी लगेगी और कोई मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा। मानवी तुम्हें तो हमारे घर की हालत पता ही है ना, खाने के पैसे तो मैं मुश्किल से कमा पाती हूँ और तुम्हारे भाई की पढ़ाई का खर्चा भी देखना पड़ता है, फिर मैं तुम्हारे लिए हील वाले सैंडल कैसे ला पाऊंगी। अपनी माँ की बात सुनकर मानवी उदास हो जाती है और किचन में काम करने चली जाती है। किचन में काम करते करते मानवी सोचती है, माँ भी तो अपनी जगह ठीक है, आखिर वो मेरे लिए इतनी महंगी हाई हील वाली सैंडल कहाँ से ला पाएंगी। एक काम करती हूँ, आज से हील वाली सैंडल के बारे में सोचना ही छोड़ देती हूँ। इस तरह मानवी मन बना लेती है कि वो सैंडल के बारे में नहीं सोचेगी, लेकिन फिर भी उसके दिल दिमाग से हील वाली सैंडल कहीं नहीं जाती है और वो दिन रात उसी के बारे में सोचती रहती है।
ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मानवी रोज की तरह कुएं से पानी भरने जा रही थी, तभी मानवी सोचती है, बहुत दिन हो गए मैंने जंगल के फल नहीं खाए, आज जाती हूँ। थोड़ी देर बाद मानवी जंगल पहुँच जाती है। उसके बाद मानवी पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ फल तक नहीं जा पा रहा था। वहाँ गांव की कुछ और लड़कियाँ भी आई थी। मानवी को इस तरह देख उनमें से एक लड़की बोलती है, देखो देखो ये बॉनी क्या कर रही है। अरे मानवी तू फल क्यों तोड़ रही है, हमें बोल देती हम तेरी मदद कर देते। काजल के इतना बोलती ही सारी लड़कियाँ हंसने लग जाती है। नहीं काजल, अच्छा हुआ इसने हमें नहीं बोला, वरना हम इसका और भी ज्यादा मजाक बनाते। चल छोड़ी से ऐसे ही रहने दे, हम चलते हैं। उसके बाद सारी लड़कियां वहां से चली जाती हैं। फल तोड़ने की कोशिश करते हुए मानवी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। मानवी के पैरों में चोट आई होती है, जिसकी वजह से वो रोने लगती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया, सब कुछ गलत मेरे साथ ही होना होता है क्या। तभी वहाँ पर नीलम परी प्रकट हो जाती है। नीलम परी मानवी से कहती है, बेटी मैं ऐसे ही जंगल से गुजर रही थी, तब मैंने तुम्हें पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा। उसके बाद मैंने कुछ लड़कियों को तुम्हारा मजाक बनाते हुए भी देखा। मुझे तुम पर बहुत तरस आया, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने की सोची। इतना बोलकर नीलम परी सोने की हील वाली सैंडल प्रकट कर देती है। अरे ये तो हील वाली सैंडल है, लेकिन इसे पहनकर मैं पूर्वी की तरह लंबी दिखने लग जाऊंगी क्या। तुम इस सैंडल को लेकर अपने घर जाओ, वहाँ इसका इस्तेमाल करना, तब तुम्हें इसके चमत्कार के बारे में पता चलेगा। और हाँ, जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो इसी जगह आकर मेरा नाम लेना, मैं आ जाऊंगी। इतना बोलकर नीलम परी वहाँ से चली जाती है। मानवी सैंडल उठाती है और जैसे तैसे अपने घर पहुँच जाती है। घर जाकर मानवी नीलम परी की दी हुई सोने की सैंडल पहनती है। सैंडल पहनते ही मानवी के पैरों की चोट गायब हो जाती है और उसकी हाइट भी गांव की लड़कियों से भी लंबी हो जाती है। अरे वाह, ये तो सच में चमत्कार हो गया, लगता है ये जादुई सैंडल है जिसकी वजह से मेरी हाइट इतनी लंबी हो गई। अब कोई मेरा मजाक नहीं बनाएगा, अब तो मुझे हाई हील पहनने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी हाइट तो गांव की लड़कियों से भी लंबी हो गई है। ये सब सोच सोच कर मानवी बहुत खुश हो रही थी। मानवी सैंडल को वहीं रख देती है और भागते हुए गांव की लड़कियों के पास जाती है और कहती है, ये देखो मेरी हाइट तो अब तुमसे भी ज्यादा हो गई है, अब मैं भी पेड़ पर चढ़कर इमली तोड़ सकती हूँ। मानवी अचानक ऐसा क्या हुआ जो तेरी हाइट इतनी बढ़ गई? अरे तुम्हें तो पता ही है ना, मैं एक्सरसाइज करती थी इसलिए मेरी हाइट बढ़ गई। मानवी एक्सरसाइज करने से ही कुछ नहीं होता है, बल्कि अच्छा पौष्टिक आहार भी लेना पड़ता है। लेकिन तू तो बहुत गरीब है, फिर तेरी माँ इतना पौष्टिक आहार कैसे खरीद कर ला सकती है। मानवी कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से चली जाती है। मानवी सैंडल के पास बैठ जाती है और कहती है, गाँव के सभी लोग इतने अमीर है, बस पूरे गांव में हम लोग ही सबसे गरीब है, ऐसा क्यों? मेरी माँ भी तो दिन रात मेहनत करती है, फिर हम लोग गरीब क्यों हैं? इतना बोलकर मानवी कुएं से पानी भरने चली जाती है। जब थोड़ी देर बाद मानवी आती है तो अपने कमरे में बहुत सारे सोने के सिक्के देखती है। ये देखकर मानवी हैरान रह जाती है और सोचती है, अरे वाह, लगता है ये सैंडल जादुई है और ये मेरी सारी इच्छा पूरी करेगी। मुझे तो लग रहा था कि ये सिर्फ हाइट बढ़ाती है, लेकिन जादुई सैंडल ने तो मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के भी दिए। इस तरह मानवी बहुत खुश होती है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही मानवी की माँ आती है, वो जल्दी से अपनी माँ को सारी बातें बताती है। मानवी सोने के सिक्के को बेचकर एक बहुत बड़ा घर बनाती है और अपनी माँ के लिए फलों की एक बहुत बड़ी दुकान खोल लेती है। इस तरह कुछ ही दिनों में मानवी भी गांव के और लोगों की तरह अमीर हो जाती है। एक दिन मानवी बाजार से घर लौट रही होती है, तभी काजल और शिल्पा उसे रोकते हैं और बोलते हैं, अरे वाह मानवी,
अब तो तुम भी बहुत अमीर हो चुकी हो। ऐसा क्या कर रही हो जो अचानक तेरी हाइट भी बढ़ गई और तुम इतनी अमीर भी हो गई? बस यूं ही, तुम क्या करोगी जानकर। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे काम है। मानवी दोनों को सोने के जादुई सैंडल के बारे में नहीं बताती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और मानवी भी हंसी खुशी जीवन व्यतीत करने लगती है। तभी एक दिन मानवी अपने मन में सोचती है, अब तो मेरी हाइट भी बढ़ चुकी है और हम अमीर भी हो गए हैं। अब मुझे इस सैंडल की कोई जरूरत नहीं है। उसी पेड़ के पास जाती हूँ जहाँ नीलम परी ने मुझे ये सैंडल दिया था। मानवी सैंडल को लेकर जंगल के उसी पेड़ के पास जाती है और कहती है, नीलम परी। तभी नीलम परी वहाँ प्रकट हो जाती है। मानवी नीलम परी से कहती है, नीलम परी आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे ये जादुई सोने की सैंडल दी। इसकी मदद से मेरे पास आज सब कुछ है, इसलिए आपको ये सैंडल आज मैं वापस देना चाहती हूँ। अब मैं अपनी आगे की जिंदगी का गुजारा अपने फल की दुकान में फल बेचकर करूँगी। मानवी की बातें सुन नीलम परी बहुत खुश होती है और अपनी जादुई सैंडल लेकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन के बाद से मानवी अपनी माँ के साथ अपने फल की दुकान में काम करती थी और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी।